उज्जैन सामाजिक न्याय परिसर स्थित हनुमान मंदिर में चोरों की ऐसी नजर पड़ी है कि एक साल में इस मंदिर में चोरों ने 4 बार चोरी की है। मंदिर के पुजारी द्वारा पुलिस को वीडियो फुटेज देने के बाद भी आज तक एक भी चोर नहीं पकड़ा जा सका है। मायापति हनुमान मंदिर के पुजारी गणेश राय ने बताया कि रात 11 बजे मंदिर बंद कर घर लौटे थे और सुबह 5 बजे रोजाना की तरह मंदिर खोलने पहुंचे तो देखा कि मेन गेट सहित गर्भगृह के दरवाजे का ताला टूटा था। गर्भगृह में रखी दान पेटी तोड़कर रुपए चोरी हो गए थे। इस मंदिर में एक साल में 4 बार चोरी हो चुकी है। मंदिर के पुजारी द्वारा पुलिस को वीडियो फुटेज और चोरों के फोटो उपलब्ध कराने के बाद भी आज तक एक भी मामले में पुलिस ने कार्यवाही कर बदमाश को गिरफ्तार नहीं किया है। गर्भगृह में रखी मंदिर की दानपेटी जनवरी माह में खोली गई थी और उसके बाद हनुमान जयंती पर खोलना थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से दानपेटी नहीं खोली गई। 15,000 रुपए से अधिक की चढ़ौती होगी। आज भी रात्रि में चोरी हुई है। ये 4-5 बजे करीब सुबह जब मैं यहाँ पर आया तो सामान अस्त व्यस्त था और चैनर के ताले टूटे हुए थे और रूम का गेट अस्त व्यस्त टूटा हुआ था। और जब थाने फ़ोन करा और पुलिस वाले आए, उनके सामने ताले फिर रूम के खोले मैंने, जैसे रूम खोला सब सामान अस्त व्यस्त था। चांदी की थाली, कटोरी, चम्मच और गिलास ये गया है, साथ में इन्वेटर और जो मंदिर में CCTV कैमरे 2 लगे थे वो भी चोर ले गए हैं, और उसका वो जो तो होता है डिवाइड क्या कहते हैं वो भी चोर ले गए हैं। साल में ये चौथी चोरी थी और उस टाइम ये भी मंदिर के ताले तोड़ के दान पेटी में कैश है और कुछ पात्र हैं ये ले गए थे चोर। गणेश कुमार राय।